रोड सीवर सारी चीज हमने ओपन किचन दिया हुआ है, नगर निगम के अंदर आता है, पैनल की वॉल है। नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी ऐप के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग आ गए हैं जानकीपुरम एक्सटेंशन में आपके लिए रेडी टू मूव हाउस लेके। क्या डील है, कितने में डील है, कितने दायरे में बना हुआ है, सारी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ के प्राउड ओनर को बुला लेते हैं। ये किसी सोसाइटी के तहत नहीं आता है, ये उनका खुद का मकान है 1000 स्क्वायर फीट में जो कि बना हुआ है। और क्या कैसे बना हुआ है चलिए उसकी पूरी डिटेल लेते हैं और बुला लेते हैं यहाँ के प्राउड ओनर को। अग्री स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, दर्शकों को हाय करिए। तो सबसे पहले बताइए क्या लोकेशन लगती है, हम लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं? सर ये आपका जानकीपुरम गार्डन लगता है और ये आपका सहारा स्टेट से अप्रोक्स 500 मीटर्स के डिस्टेंस पे है। सहारा स्टेट से 500 मीटर की दूरी पे। और अगर इसे मेन रोड से अगर कहें कि मेन रोड से ही कितनी दूरी पे पड़ता है, तो 500 से 600 मीटर के दायरे में आपको ये पड़ेगा। सुविधाओं के मामले में बात करें तो यहाँ क्या कैसे दिया हुआ है? नगर निगम के अंदर आती है, मतलब इट कवर्स ऑल द एम्बिट्स विद इन नगर निगम। पहली चीज़ तो ये आपका ये सीवर हो गया, आपका सीवर ये ढक्कन जला हुआ है, गैस पाइपलाइन जली हुई है आपकी, ये हर घर के बाहर आप गैस पाइपलाइन के आप देख सकते होंगे होल्स लगे हुए हैं। ठीक है, बाय गवर्नमेंट हम लोग को ये सब चीजें मिल रही हैं। चलिए, रोड सीवर सारी चीजें हैं। ये सबसे पहले उन्होंने आपको कार पार्किंग दी है, ये अप्रोक्स 9x17 फीट की है। 9x17 जी, इसमें आपकी बहुत आराम से एक सेडान कार आराम से पार्क हो जाएगी। प्लस ये आपकी टू व्हीलर पार्किंग के लिए एक अलग जगह दी हुई है, इसको आप गार्डन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्लस एक यहाँ पे हमने एक सेक्शन दिया है, जैसे आपके इन्वर्टर है या कोई चीज़ आपको ऐसी रखनी है तो इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे बाहर घर के बाहर उसमें कोई आपका इशू नहीं आएगा। हाँ। पहले हम लोग चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। जी, ये आपका ड्राइंग रूम है जी। ये अप्रोक्स 9x14 का है, तो लाइट का इशू है, हल्की लाइट होती तो आपको ज़्यादा क्लियर पता चलता। तो मतलब अभी लाइटिंग का खाली काम रह गया है ना? लाइटिंग, हाँ नहीं, वायरिंग तो आपकी पूरी है, बस लाइट लगनी, हाँ वो बचा हुआ है। ये आपका डाइनिंग एरिया आता है भैया, ये आपका 18x9 का है, 18x9 को। इसमें हमने ओपन किचन दिया हुआ है, आप देख सकते हो ओपन किचन है, बट चिमनी नहीं है उसमें। चिमनी नहीं है सर, तो अगर कोई डिमांड करता है तो हम लगा के देंगे उसको, वो चीज़ मैनेज हो सकती है, बात हो जाएगी वो। और ये आपका सामने से एक एंट्री आपकी यहाँ पे भी आती है, वो कह सकते हैं तरीके से गेस्ट के लिए होगा। हाँ, वो गेस्ट के लिए होगी, ये आपकी डायरेक्ट घर में एंट्री। उसके बाद आपके दो ये बेडरूम आते हैं, दोनों से अटैच टॉयलेट है। आइए, ये आपके 14x9 के हैं रूम्स आपके, और जिनसे अटैच आपका ये बाथरूम हो गया, और ये वेंटिलेशन और लाइट के लिए आपकी एक विंडो दी हुई है। तो ये इस रूम में तो आना नहीं, नेक्स्ट वाले रूम में, बगल वाले रूम में। हाँ, उसका दरवाज़ा बाहर से, वहाँ से दोनों का मतलब सबका साइज, हाँ साइज सेम है। अप्रोक्स क्या है, एक इंडियन है, दोनों में अटैच्ड है, एक में इंडियन है, एक में वेस्टर्न है। उसके बाद हर कमरे में आपको एक एक ये वॉल दी हुई है, ये आपकी पैनल की वॉल है, पीवीसी पैनल्स होते हैं। गेट सब भैया ठीक के हैं। ये आपका आंगन आता है, ये 8x7 का आपका आंगन है, आराम से मतलब आप वॉशिंग मशीन लगा के कपड़े सुखाना और भी मल्टीपल टास्क कर सकते हैं, अच्छा खासी स्पेस दी हुई है। की बात करें तो ये सब भी कोई वो लगा हुआ है भैया? हाँ, ऐसे तो अभी टेम्परेरी के लिए है। हाँ। इस पे सब आपको अच्छी फिटिंग होके मिलेगी। हाँ। मतलब अगर कोई आता है यहाँ रहता तो इसको आप फिटिंग चेंज करवा के, ये तो टेम्परेरी पर्पस के लिए कि हम जैसे यूज के लिए। चलिए, एक आपका ये हो गया, इसमें आपका वेस्टर्न टॉयलेट रहेगा। इंटीरियर के मामले में बात करें तो हाँ, सब ब्रांडेड है भैया, ये सब आपके एंकर के स्विचेस लगे हुए हैं, इसमें आर आर की वायरिंग लगी हुई है, सोमानी पेरीवेयर की आपकी जितनी फिटिंग है वो सब उसकी है। बाकी कुछ आप चीज़ें देख रहे होंगे, जैसे आपने टोटियाँ वोटियाँ जो आपने देखे प्लास्टिक की है, तो वो जब आप देखेंगे आगे से पार्टी आती है लेती है तो जैसे होगा उस सबसे अभी चेंज होंगी, क्योंकि ये तो टेम्परेरी बेसिस पे है कि चीज़ें लगी हुई हैं तो यूज़ होने के लिए। तो मतलब अभी एक तरीके से डेमो के तौर पे आप दिखाने के लिए उसको लगा रखे हैं, कोई आता है यहाँ से आपसे डील करता है तो आप तो फाइनल होता है, तो ये सब चीज़ें चेंज होकर नहीं लगेंगी। सेम ही साइज़ आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है, अगर आप इसमें गार्डन वार्डन भी छोटा रखना चाहें तो आप वो भी रख सकते हैं। एक रूम आपका ये हो गया, सामने आपका विंडो है। और गेट वेट की बात करें, ये किसके बने होंगे? टीकोड। आइए, आप आपको एक ये छत का एरिया दिखा सकते हैं, इसमें कुछ बना नहीं है बट अगर आप बनवाना चाहें तो बनवा के रह सकते हैं ना जी। तो ये हो गया, इसमें भी एक बाथरूम है, इसमें एक बाथरूम है। हाँ, तो टोटल हमारे पे हम क्या क्या दे रहे हैं 1000 स्क्वायर फीट में? आपका ये 20x50 का एरिया है आपका 1000 स्क्वायर फीट का, इसमें हम आपको 3 BHK का दे रहे हैं, दो बाथरूम दो रूम नीचे है आपके, और वन बाथरूम वन रूम आपका ऊपर है। दोनों ही मतलब जैसे एक ये हो गया, एक इसी के बगल में आप देख रहे होंगे, सेम दोनों के सेम डिज़ाइन है, सेम डिज़ाइन सेम इंटीरियर और सब कुछ सेम ही है। कितना बताए थे आप रेट?
55 अगर चैनल के माध्यम से कोई आता है तो आपको थोड़ा निगोशिएट करेंगे सर, आपका जो रेफरेंस देंगे तो क्यों नहीं देंगे। चलिए बहुत बढ़िया बात है। जानकीपुरम मेन में लगता है एक्सटेंशन में लगता है? नहीं सर, मेन जानकीपुरम। मेन जानकीपुरम, तो मेन जानकीपुरम में 55 लाख रुपए में 3 BHK कह सकते हैं। 3 BHK आपको मिल रहा है, 1000 square feet में है। बहुत ही अच्छी डील है। अगर आप डील अच्छे में चाहते हैं, जल्दी सेल आउट होने वाली है, अगर आप जल्दी जल्दी इसको देख के आते हैं तो थोड़ा बहुत निगोशिएट भी होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कुशाग्री जी अगली बार। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और इसी तरह हम इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।